अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद, स्वागत है। जो नए बच्चों को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार ज़मीन सर्वे 2024 सभी रैयतों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है बिहार सरकार की तरफ से। यानी कि बिहार सरकार ने सभी रैयतों को दिवाली का बड़ा तोहफा दे दिया। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास ना तो खतियान है, ना तो आपके पास गेवाला है, ना तो आपके पास रसीद है, फिर भी आप आसानी के साथ जो है सर्वे करवा सकते हैं। या फिर अगर आप घर पे नहीं हैं, यानी कि आप जो है अदर स्टेट में हैं, आपकी ज़मीन बिहार में है बट आप जो है कहीं और है, जैसे दिल्ली है या फिर कोलकाता है या फिर आप मुंबई है, तो वहीं से आप सर्वे करवा सकते हैं आसानी के साथ। तो किस तरीके से सर्वे करवाना है, क्या बिहार सरकार की तरफ से अपडेट निकल कर आई है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2025 में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले आपको बड़ा बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार को वोट चाहिए। अब वोट के लिए आपको बड़ा बड़ा तोहफा दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब ज़मीन सर्वे का जो काम शुरू हुआ था तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ दिनों का टाइम दिया गया था कि इसके बीच में ही आपको जो है अपना सर्वे करवा लेना। उसके बाद जो है एक महीने का डेट को एक्सटेंड किया गया, उसके बाद 90 दिनों का डेट को एक्सटेंड किया गया। अब क्या कर दिया गया है कि 6 महीना, यानी कि 6 महीने तक आपको पूरा टाइम मिल गया है कि आप आसानी के साथ जो है कागजात जो है सही करवा सकते हैं। बट इसी बीच, यानी कि कल बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार सरकार की तरफ से कि अगर आपके पास खतियान नहीं है, अगर आपके पास केवाला नहीं है, अगर आपके पास रसीद नहीं है, फिर भी आप जो है अपना सर्वे आसानी के साथ जो है करवा सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है कि आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है और आपके पास जो है ज़मीन का कुछ होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास जो है कोई नक्शा वगैरह ज़मीन का आपके पास है पहले से, तो वो नक्शा ले लेना है। या फिर अगर आपके पास कोई नक्शा नहीं है तो आपको क्या करना है कि एक आदमी को आपको गवाह बना लेना, और गवाह बनाने के बाद जो है अधिकारी के पास जाना है, वो फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद जो है वो सबमिट कर देंगे। इसके अलावा आपको कुछ दूसरा काम कोई भी नहीं करना। हाँ, अगर आप गांव में नहीं है, आप जो है अदर स्टेट में है, तो आप एक मानिंद इंसान को खड़ा करें। और आपको याद रखना है कि अगर आपका आने वाले वक्त में कुछ होता है ज़मीन सर्वे को लेकर, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर फॉर्म आपका पेंडिंग शो करता है, तो सारी की सारी जो जिम्मेदारी होगी वो आप पर होगी। जो आप जिसको आप खड़ा करेंगे उन पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, जिम्मेदारी जो है आप पर होगी। तो आपको ऐसे आदमी को भेजना है कि जो सही हो, जो आपके आपके साथ खड़ा हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस आदमी को भेजते हैं वो गलत तरीके से आपका फॉर्म भरवा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आने वाले वक्त में आपका जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर फॉर्म जो है उसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग शो करेगा। तो इसकी जिम्मेदारी फिर आपको ही लेना। तो अच्छे आदमी को भेज के आसानी के साथ जो है सर्वे करवा ले, आधार कार्ड और ज़मीन का आपके पास कुछ कागजात है, नक्शा हो, या फिर अगर आपके पास कोई पुराना, बहुत ही पुराना अगर आपके पास जो है खतियान वगैरह है तो वो भी दे सकते हैं। खतियान नहीं है तब भी आप जो है आधार कार्ड और अपने नक्शा के ज़रिए जो है अपने सर्वे करवा सकते हैं। ये बड़ी अपडेट निकल कर आई है कल की बड़ी अपडेट नीतीश कुमार साहब की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जिनके पास कोई भी कागजात नहीं है, लगातार परेशान हो रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपके पास कागजात नहीं रहेंगे तो आप जो है अपने आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी से भी सर्वे करवा सकते हैं। कुछ रैयतों ने काफ़ी जो है
आसानी के साथ जो अपना सर्वे करवाया। और कुछ रैयत जो है जिनके पास कागजात नहीं है तो वो आधार कार्ड के जरिए भी अपना जो सर्वे का काम को करवा रहे हैं। तो आप भी आधार कार्ड से सर्वे करवाए, और अगर आप कहीं और रहते हैं तो आपको आने की बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पूरा कागज़ है और आप अदर स्टेट में है फिर भी आपको नहीं आना है, आपके जो भी घर वाले हैं उनको आप बता दें कि मेरा सर्वे आप करवा दीजिए, अधिकारी आपके घर पर आके सर्वे कर जाएंगे। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आना है, अगर आपको कोई भरोसे का आदमी नहीं मिल रहा है तो आप खुद से ही आकर सर्वे करवाएं, ताकि आने वाले वक्त में किसी तरीके की कोई भी दुश्वारी ना हो। और दूसरी बात यह है कि अभी जो है सर्वे का काम को फिलहाल के लिए बंद किया गया है छठ पूजा और दिवाली के मद्देनज़र रखते हुए, तो इसीलिए अभी तो आपका सर्वे नहीं होगा। ये अपडेट जो निकल कर आई है कि कुछ दिनों के बाद जैसे ही सर्वे का जो काम है वो शुरू किया जाएगा, उसके बाद आप आसानी के साथ जो है सर्वे करवा सकते हैं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस